वो बंदा क्यामत के दिन मुझे शक है वो मेरे ऊपर इल्जाम लगाएगा कि अल्लाह चलो मैं तो जायल था मैं तो काफिर था मुझे तो पता कुछ नहीं था इसको तो पता था ये तो, था। 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 तो मुझे सातलियां बजा रहा था ये तो मेरे घर क्रिसमस केक ड्रॉप करके गया ये तो मुझे क्या शाबाश कीप अप द गुड वर्क हाँ जो तुम लगे हुए हो सही लगे हुए हो ये तो मुझे इंकरेजमेंट करके गया बजाय अमर बिल मारूफ करने के और नहीं मुनकर प्रॉपर तरीके से प्यार से मोहब्बत से लेट्स क्लोज अवर आइज एंड ट्राई टू इमेजन दिस के वाकया तन पहाड़ फट रहे हैं हमारे ऊपर गिर रहे हैं जमीन फट रही है और फट गया हम आसमान ही फट गया लेट्स वी कैन इवन इमेजन दिस क्रिसमस पे क्या राइचियस बिहेवियर और होता है या अनराइच बिहेवियर होता है आई मीन क्रिसमस पार्टीज पे जो हो रहा है लोग ड्रंक हुए हुए हैं हालत हालतें, हालतें गैर हुई हुई हैं तो ये अगर ईसा सारा सलाम यहाँ पे आके ये देख लें हालत को उनका क्या रिएक्शन होगा सो मच सो के इवन क्रिस्टियनिटी में भी गेटिंग ड्रंक हाँ is वो भी जायज़ नहीं है उनके मुताबिक भी इवन जो करंट so मैं अपने प्यारे मुसलमान बहन भाइयों को सिर्फ ये मशवरा ही दूंगा बाकी जो करना है वो आप ही नहीं करना है देखें मैं अगर अपनी बात करूँ पर्सनली अगर मुझे कोई कहता है कि यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जिस फेस्टिवल में आ, जो नाउज के बेटे की बर्थ सेलिब्रेट की जा रही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके बारे में हम कहते हैं कि कुल अल्लाह अल्लाह लम यूलद ठीक है और अल्लाह ताला तुरान मजीद में कहते हैं कि पहाड़ फट ना जाए इस बात पे कि ये लोगों के मुंह से जो कलेमा निकलता है कि अल्लाह का बेटा हुआ

88 से 92 तक ये चार आयात आप पढ़ लें एंड टेक एट द टोन एंड द वर्डिंग दैट अल्लाह हैज यूज दैट शोज़ हाउ सीरियस अल्लाह हैज टेकन दिस अल्लाह सेज़ वलदा अल्लाह इज मेंशनिंग दिस शुरू से कि वो कहते हैं जी रहमान ने किसी को बेटा, बेटा बनाया हाँ। लकत जी तुम शहीद अल्लाह अकबर अल्लाह सेज़ के यकीन इन्होंने सख्त बेहूदा बात की है अल्लाह mm -hmm. के खिलाफ साम कैन सब से सबसे बुरी बात की है सबसे बुरी गाली दी है अल्लाह के अल्लाह के खिलाफ अल्लाह इज दैट तुम आगे अल्लाह जो तुम घर लाए हो जी घर लाए हो आगे अल्लाह एक्सप्लेन अल्ला एक कर रहे हैं इसकी कैफियत देखें अल्लाह किंग ऑफ द किंग्स दंगन सेट सम वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस मोर

आगे देखें अल्लाहर वाला था कि तुम ये कहते हो कि रहमान ने व किसी को बेटा अपना बना लिया या चुन लिया वमा यम बगीमानी एदा वाल था हालांकि रहमान के लायक रहमान को सूट ही नहीं करता अल्लाह को सूट ही नहीं कर सकता किसी तरीके से कि वो किसी को औलाद बनाए बात ये है कि आप ये देखें कि अल्लाह की टोन इसमें देखें कितनी ज़्यादा सवेयर है आप क्यों किसी चीज़ के करीब भी जाना चाहेंगे देखें कोई अल्लाह सुबहाना ताल है ये ये कोई इवन हमारे बाप भी नहीं है इवन हमारे बाप भी किसी चीज़ के बारे में फ्यूरियस हो जाए ना बहुत और बड़ी शिद्दत से मना करें घर में किसी गलत चीज के बारे में कर हाँ यू विल अगर आप शरीफ और नफ्स औलाद <laughs> हैं रिगार्ड करने वाले हैं ना यू विल एटलीस्ट टेक केयर अल्लाह इस टेकिंग दिस टोन कि जी पहाड़ आसमान फट जाएगा जमीन खुल जाए पहाड़ गिर जाएंगे बात ये आती है कि वो कहते हैं जी कि हम अपने असल में हम तो ये कर रहे होते हैं कि हम अपने जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं या जो भी हैं उनको उनको ऑफेंड उनको, उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको ऑफेंड नहीं करना चाहते उनको जस्ट रिस्पेक्ट दे रहे हैं खुशियों में शरीक हो रहे हैं ना वो हमारी ईद में शरीक होते हैं हम शरीक हो रहे हैं देखिए मैं इसमें एक पॉइंट ऐड कर दूं वो ये कि देखें थोड़ा सा भी हम चूँकि इमेजिनेशन वाले मोड में जा रहे हैं ना देखें अल्लाह व तआला इस पूरी कायनात के खाले हैं अल्लाह सुबहान तआला यानी और अर्श इस तवा अल्लाह ताला अपने अर्श पर हैं मुस्तवी हैं अच्छा अल्लाह ताला अपने अर्श पर हैं वो अर्श जो है वो इतना बड़ा है कि अर्श जो है वो उसका मुकाबला कुर्सी से अल्लाह ताला की उसका मुकाबला पूरी कायनत से यानी पूरी जो यूनिवर्स है ना हमारी जिसको हम उसका अहता नहीं कर सकते इतनी बड़ी हमारी कायनात है वह कम्पेयर टू दी कुर्सी ऑफ अल्लाह इज़ लाइक अ रिंग इन अ डेजर्ट एक सहरा के अंदर आपने अंगूठी फेंक दी वो अंगूठी जो है वो पूरी कायनात है और वो सहरा जो है वो आपकी जो ना मतलब कुर्सी है अल्लाह ताला की और जो अर्श है उसका मुकाबला कुर्सी से ऐसे जैसे रिंग इन डेजर्ट है जहां पे एक सहरा के अंदर आपने एक अंगूठी फेंक दी पूरा सारा डेजर्ट है और उसमें वो अर्श है और उसके ऊपर अर रहमान है अल्लाह सुबहान है अब अल्लाह ताला के बारे में आप क्या वो जो है ना आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते उनके बारे में आप ये कह रहे हो कि अल्लाह सुभान व तर जो पूरी कायनात का खालक व मालिक है उसका अल्लाह माफ़ करे नाउद नव इंसान बेटा हुआ इंसान अब देखें इंसान लाइक इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स व्हेन यू लुक एट थिंग्स मतलब ये मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मिसाल बहुत छोटी है बहुत छोटी मिसाल है अगर मैं आपसे एक नॉर्मल रैशनल सी बात करता हूँ मैं कहता हूँ जी मैं यानी औलाद स्पीशीज़ के अंदर होती है ना स्पीशीज़ में होती है लाइक अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा एक मेरी बेटी हुई और वो एक बैक्टीरिया है सो तो आप मेरी बात मानेंगे नहीं so दिमाग खराब हो गया सो यानी राइट वॉट लुक एट इवन सी तो आप नहीं मानोगे मेरी बात और अल्लाह तला गजब से कह रहे हैं कि अल्लाह रबुलजत जिसकी तुम बात करते हो उसका बेटा हुआ आसमान फट ना जाए पहाड़ रेजा रेजा ना हो जाए जमीन शक ना हो जाए ये तुम्हारी इस बात से तुम क्या कह रहे हो तुम यू सेइंग

आई आई वुड रन माइल्स अवे फ्रॉम बिकॉज़ जो बंदा हालत शिरक में मरेगा अल्लाह ताला फरमाते हैं वो माफ नहीं होगा वे वे वे. तो मैं इतनी बड़ी रिस्क क्यों ले रहा हूँ मैं मुझे कौन से नफलों का सवाब मिल रहा है कि नहीं नहीं मैं वो टायर्स की पर जा रहा हूँ बल्कि वो बंदा

वो इतना हैरान हुए कि इस्लाम ये कैसा मैसेज दे रहा है स्टोरी के बारे में यू you नो know? और देखिए ये चीजें जब आप उनको बताएंगे ना दिस विल ओपन डोर्स फॉर डायलॉग अच्छा आप क्यों नहीं करते उनको को यार आप हमारी ईद सेलिब्रेट करने में कोई hmm. आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम hmm. हम अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं उसमें किसी के साथ अल्लाह को किसी को जो है ना hmm. शरीक नहीं कर रहे कुछ भी नहीं कर रहे बट जो फेस्टिवल आप मना रहे हो ना उस फेस्टिवल के अंदर देर इज एक शिरक का तड़का जरूर है उसमें यानी ऑल्दो यू यू कुड कुड आर्ग्यू कि इट इज क्लियर इट इज क्लियर शर्क बट अगर चले वो ना भी लें अपोजिशन वो अपोजिशन ना भी लें एटलीस्ट उसके अंदर एक तड़का जरूर है और मैं समझता हूँ पर्सनली जो मैं अपने लिए बात समझता हूँ वही सबको बताता हूँ मैं कहता कहते तो देखो यार आई वुड पर्सनली नॉट पार्टिसिपेट इन दैट आई वुड से यार नहीं एनी अदर थिंग आपके साथ मेरा काइंड ट्रीटमेंट रहेगा और कुफार के साथ कोई भी बंदा नॉन मुस्लिम है उसके साथ हमारा काइंड ट्रीटमेंट रहता है कि यू नो दीन की बात करनी है कोई खैर की बात करनी है बेचारा क्योंकि जख्मी हो जाता है उसको अस्पताल ले जाते हैं है। वी 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 ट्राई टू हेल्प आउट एज बेस्ट कैन बिकॉज एट द एंड डे हमें तो कोई भी इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत बचाने के बराबर है तो वो हम वहाँ हमारी हेल्प और लव एंड अफेक्शन मौजूद है बट प्लीज़ डू नॉट आस्क अस टू कॉम्प्रोमाइज आयर प्रिंसिपल प्लीज डू नॉट आस्क अस टू कमिट विद आस्कू कमिटर विद्वान वी वुड रादर डाई वी वुड रादर बी बॉइल्ड इन ऑयल देन एसोसिएट पार्टनर्स विद अल्लाह विदाता